अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नाहिद अंसारी, बेक पार्लर के एक और प्रोग्राम फ्यूजन कुजीन में। और इस फ्यूजन कुजीन में हम बहुत कुछ सीखेंगे। बहुत सारे फ़ायदेमंद चीज़ें इस तरह हैं कि आपकी ज़िंदगी आसान बना दी है बेक पार्लर ने। तो आज हम बना रहे हैं चिकन नूडल सूप। और चिकन नूडल सूप जो है वो बड़ा ज़बरदस्त, सर्दियां हैं आजकल, सब लोग एहतियात भी कर रहे हैं, कोविड की वजह से सूप लेना बहुत ज़रूरी है। और वो सूप जो आपको कुछ भी नहीं करना पड़ रहा, बस सिर्फ एक स्टॉक बनाना है चिकन का, इसके अंदर आपके नूडल्स तैयार हैं और ये है आपका सूप मिक्स। यहाँ मैंने पानी बॉईल करने को रखा हुआ है, पानी आपने बॉईल किया और इसमें हमने डाल दिए नूडल्स, इसको हमने बॉईल करना है। और यहाँ मैंने स्टॉक बना के रखा हुआ है चिकन का। आपने क्या करना है, अबाउट 4 कप आप पानी ले लें और 4 कप पानी के साथ आपने क्या करना है, चिकन डाल दें, एक गाजर डाल दें, एक प्याज डाल दें और उसको आप बॉईल कर लें अबाउट 20 to 25 मिनट्स। ये स्टॉक आपका तैयार है। और यहाँ मैंने स्टॉक के साथ जो चिकन बॉईल हुई थी उसको मैंने श्रेड कर लिया। नूडल्स मैंने बॉईल करने के लिए रख दें। जब आप नूडल्स बॉईल करें, प्लीज़ इसको 1-2 दफ़ा स्टर ज़रूर करें, क्योंकि क्या होता है कि वो चिपक जाते हैं और फिर जब चिपक जाते हैं फिर उसको सेपरेट करना ज़रा सा प्रॉब्लम हो जाती है। और मैंने इसमें कोई ऑयल नहीं डाला, सिर्फ पानी के साथ ये मैंने बॉईल करने के लिए रखे हैं। जब तक ये बॉईल हो रहे हैं, आपके लिए एक बड़ी स्पेशल गेस्ट है। और जो हमारी स्पेशल गेस्ट है वो फिलिपीन से हैं। मैं आपकी मुलाकात कराती हूँ, अपनी गेस्ट को बुलाती हूँ। एंड दिस इज़ सारा मसूद। अस्सलाम वालेकुम सारा। वालेकुम अस्सलाम, हाउ आर यू? आई एम गुड, थैंक यू सो मच। दिस इज सारा मसूद और ये फिलिपींस से हैं और आज ये डिश बनाएंगी आपके लिए विद बेक पार्लर। यस, सो यू आर इन पाकिस्तान बट यू विल टॉक इन उर्दू। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। वेरी गुड, दैट इज वेरी गुड। वालेकुम अस्सलाम। So today you are cooking with us. Yes. And we are cooking for Bake Parlor. And you use Bake Parlor products at home? Yes, it's all available at home, especially this seasoning, soya sauce and sirka. Sirka, yes. And the other stuff? Others, yes, we all use all of that, especially macaroni, yes, elbow macaroni. This is very special dish in the Philippines. Okay. And spaghetti, I am a very expert in making spaghetti of That's Bake good. Parlor. ओके, राइट। अच्छा, 1 मिनट हमारा जो है, क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट होता है, ये जो मैंने नूडल बॉईल करे थे इसको मैं सिर्फ स्ट्रेन करके वापस आ, आई जस्ट स्ट्रेन इट एंड आई कम इन 1 मिनट, बिकॉज अगर ज़्यादा उबल गए तो फिर ये बहुत सॉफ्ट हो जाएंगे। और ये हो गए हमारे बॉईल और इसमें मैं डाल दूँगी स्टॉक। ये स्टॉक जो हमने चिकन का बनाया था सारा, आई एम जस्ट पुटिंग द चिकन स्टॉक हियर। ओके, आई हैड बॉइल्ड द चिकन इन दिस एंड देन वी विल टॉक विथ यू। ये इसमें हमने डाल दिया, इसको आपने बॉईल करना है। और इसी के साथ ही मैं चिकन जो मैंने बॉईल करी थी और श्रेड करी थी वो भी मैं इसी के साथ डाल रही हूँ। थोड़ी सी मैं टॉप के लिए बचा लूँगी ताकि जब हम सर्व करें। See, this is so good. They have everything in one. Yes. This is the soup mix. ये soup mix है Bake Parlor का। इसको मैंने लिया, इसी बोल में डाला। अच्छा, इसमें से थोड़ा सा stock लूँगी। I'll take the stock to mix this. See how easy it is. Bake Parlor has made everybody's life very easy. You don't have to think. मतलब इतना आसान है ये, हर चीज़ आपके पास मौजूद है। ये मैंने पानी में मिक्स करा और ये मैं इधर डाल, ठीक है। और अब आपको इसमें ना नमक ना काली मिर्च कुछ भी नहीं डालना। आखिर में जब ये थिक हो जाएगा तो इसमें मैं एक अंडा डालूंगी। आई विल ब्रेक एन एग ओवर हियर, देन आई वॉन्ट टू टॉक टू यू अ लॉट। ओके, एक अंडा है ये हमने बीट करके रख लिया है। ये हमारा सूप ये पक रहा है। लुक्स लवली, इट लुक्स नाइस, वेरी। एंड इन विंटर इट्स सो डिलिशियस एंड व्हेन यू हैव दिस कोविड एंड ऑल दीज थिंग्स वन शुड टेक हॉट थिंग्स। यस। अच्छा, आपने इसको पकाना है एंड आई विल जस्ट पुट द एग ओवर हियर। थोड़ी देर इसको हमने छोड़ देना है ताकि ये पीसेस अंडे के आ जाएं।
See, you get pieces of egg okay. here. Delicious soup है बेक पार्लर का, इसको ज़रूर ट्राई करें, घर में लेकर आएँ बच्चे, और जब सब फैमिली मिल के पीती है ना तो बच्चे भी शौक से पीते हैं। और ये कम्प्लीट मील है, इसमें नूडल्स हैं, और जब नूडल्स या स्टार्ची चीज़ें होती हैं उससे पेट भर जाता है, उसके बाद आप खाना सर्व कर सकते हैं। सी इट्स रेडी एंड यू कैन सी द पीसेस ऑफ मज़ेदार लुक्स मज़ेदार अच्छा ये मैं आपको बताऊँ, दिस इज़ योर ट्रेडिशनल यस And what do you serve in this? We serve lots of chips, or you can have soup. Yes. You know, especially we have the baked parlor soup. Okay. You can use this. You can use it for your sweet dishes also. And this is your flag. Yes. We call it red, white, and blue star over you. Papa said, Mama said, I love you. Okay. Okay. So I'll ask you about. So we have a song for our Philippine flag. Okay. ये हमारा soup तैयार हो गया और ये फिलिपीन की special dish है. और इसी में हम सर्व कर रहे हैं सूप को। थोड़ा सा आप रखेंगे ना ये और थिक होगा, तो इसको बहुत गाढ़ा आप मत करिएगा क्योंकि नूडल्स जो हैं स्वेल अप हो जाते हैं। ये श्रेडेड चिकन मैंने इसके ऊपर डाल दी है, और ये इसके ऊपर हम रखेंगे बॉइल्ड एग, और यहाँ आपने ये रखा। ये हमारा बेक पार्लर का चिकन नूडल सूप तैयार है। माशाल्लाह, दैट इज़ द राइट वर्ड। तो ये सूप तैयार है। अब ये सूप के बाद हम अब जो डिश बनाएंगे वो बनाएंगी सारा मसूद। व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर डिश? चिकन अफ्रीटाडा। अफ्रीटाडा। अच्छा ये पैन गरम किया, नाउ आई विल ऑन दिस। ओके प्लीज। हाउ मच ऑयल डू यू वांट? इट्स अराउंड 2 spoons ऑफ ऑयल, बिकॉज़ वी डोंट यूज मच ऑयल इन आवर फूड। ओह, हेल्दी फूड। यस। ओके, नाउ व्हाट डू यू नीड? आई नीड अनियन। No, you start with the garlic. Okay. How much do you need? One teaspoon. One teaspoon. आपने ये oil 2 चम्मच गरम किया। ये healthy food होता है। So you just make it a little brown. Okay. Now put. I want onions. Okay. एक प्याज इसमें डालनी है। यहाँ पे ये लोग बेक पार्लर की जो पास्ता है वो इस्तेमाल करती हैं। इनके पास मैक्रोनी है बेक पार्लर की, और different type of design. Yes, all of they have used. Any tomato? अच्छा, सबसे पहले लहसुन डाला, उसके बाद प्याज डाला, अब उसमें टमाटर डाल दिया। Okay, just to be cooked properly, I have thorough sort of salt, a pinch of salt. Okay. So that the salt will simmer into your, I mean. जैसे हम भी कहते हैं जब आप टमाटर में या प्याज में आप डालते हैं नमक तो वो स्वेट करता है, पानी आ जाता है उसके अंदर। yes. नमक डाल दिया। ओके यस, ये सब माओ का है। और नाउ वेट, यू हैव टू लिटिल ब्राउन दिस टमाटर। अब नाउ वी विल ऐड द चिकन, बोनलेस चिकन। यस, एंड दिस इज अनसॉल्टेड। अगेन यू कैन ऐड अ पिंच ऑफ सॉल्ट। अच्छा, ऑलराइट। अच्छा, ये एक ही दफ़ा में सॉल्ट नहीं डालते हैं। एक दफ़ा डाला जब उन्होंने प्याज डाली थी, अब दोबारा। Okay. Okay. And I want to cover it and keep it for 2 minutes. You don't want pepper? No, baad mein. अच्छा, बाद। 2 मिनट पकाना है और इसके बाद हम डालेंगे बेक पार्लर का टोमेटो केचप भी डाल सकते हैं। टोमेटो सॉस, इवन गार्लिक सॉस यू कैन ऐड। यस, टू मेक इट स्पाइसी। यस, इवन दे हैव गार्लिक सी। गुड। सी हियर। ऑलराइट। चिली गार्लिक सॉस। दिस इज आल्सो। वी कैन कंबाइन इट। व्हाई नॉट 1 टीस्पून ऑफ दिस एंड 1 टीस्पून ऑफ दिस। ऑलराइट। वेरी गुड। देखिए, इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। जब आपके घर में ये सब बेक पार्लर की चीज़ें मौजूद हो, तो टमाटर अगर महंगे हो जाते हैं, आप बेक पार्लर का टोमेटो केचप एंड चिली गार्लिक सॉस। वेट अ मिनट, लेट मी जस्ट ऐड द ब्लैक पेपर। अच्छा, आई विल जस्ट यूज माय। ये लोग हेल्दी फूड खाते हैं, ज़्यादा मिर्चें नहीं होती हैं। आप देखिए कितनी कम मिर्चें, हमारे लिए तो टीस्पून या जस्ट टेबल स्पून डलता है। वी कैन ऐड, इसमें हमने डाला टोमेटो केचप बेक पार्लर का। ओके, द ब्यूटी ऑफ कुकिंग इज स्माइलिंग एंड हैप्पी। यस, ओह यस, डिलीशियस। मतलब स्माइल करते हुए खाना पकाएं। ओके, एंड दिस इज द चिली गार्लिक सॉस। चिली गार्लिक सॉस, यस, बेक पार्लर का चिली गार्लिक सॉस। दैट्स द सेट। 1 स्पून। ओके, 1 स्पून ऑफ दोनों। ओके, एंड वेट, ओके, आई विल पुट दिस बैक हियर एंड आई विल पुट दिस बैक हियर। देखिए कितनी आसानी है खाना पकाने में, ये चीज़ें तो सबके घरों में मौजूद हैं। Recover it for another 1 minute. See? ये देखें, इसमें जब आपने बेक पार्लर का चिली गार्लिक सॉस डाला और केचप, आप देखिए ये कितनी मॉइस्ट हो गई है चिकन, और इससे टेस्ट भी बहुत अच्छा इन्हांस हो जाएगा। All right. Okay.
Now? You can add this capsicum. Okay. सब चीज़ें मैं ऐड कर दूँ? सब चीज़। अच्छा, इसमें ऑल ये मैं दो दो पीसेस बचाऊंगी डेकोरेशन के लिए। आपने ये येलो भी डाल दी। कैन यू डू लाइक दिस? इट शुड बी सराउंडिंग। अच्छा, सराउंडिंग। ओके, देन यू कैन टेक पिक्चर, यू नो, व्हाइल कुकिंग। आई यूज्ड टू डू इट। अच्छा, व्हाइल आई सेंड इट टू द फिलीपींस, आई सेड लुक व्हाट आई हैव डन। अच्छा, ये जब कुकिंग करते हैं तो ये तस्वीरें भी खींच रही होती हैं। और ये सबको you have to do like this, all right? Okay, चारों तरफ। Yes. और मटर। मटर। This is soft. Can I have it? Is it soft? ये yes. थोड़ा सा बॉईल okay. करा था। Steam क्या था रहा था? बॉईल भी नहीं किया। You have to अच्छा, spread है, it. Okay, okay. That will equalize the cooking. कि चारों तरफ इसको हमने डालना है। Okay. All right. I'm going to use again salt, नमक, थोड़ा सा डाल। अच्छा, ये हर स्टेज पे नमक अलग अलग, मतलब एक चीज़ डाली फिर थोड़ा सा नमक, फिर मतलब एक तरह से ये लोग खेलते हैं खाने के। हम लोग तो सब चीज़ें एक साथ डालते हैं। And it's not salty though. Very good. Okay, and I will add again another काली मिर्च। अच्छा, अभी ये नहीं डालनी? बाद में। और आलू नहीं डालना? डाल दे। डाल दूँ? अच्छा, ये इनका है कि चारों तरफ डालें। ओके, ये भी हो गया। Now can you give me stock, थोड़ा सा? क्या डालूं? स्टॉक। ओके, स्ट्रॉक। ये भी है स्टॉक? नो नो, आई एम गोइंग टू यूज दिस फॉर माय कॉर्न फ्लोर। अच्छा, ओके। ये है यखनी, जो हमने सूप बनाया था, थोड़ी सी यखनी इसमें से निकाल ली थी, तकरीबन एक कप। आपको पता है, बेक पार्लर ने ज़िंदगी इतनी आसान कर दी है माओं की, कि आजकल के बच्चे जो हैं होम डिलीवरीज, और वो कहीं से देखते हैं, तस्वीरें देखते हैं ऑन द फोन, सो दे उनको भी वही खाना चाहिए होता है। और खाना अगर आपने बच्चों को खिलाना है, आप इतना आसान नहीं है बच्चों को खाना खिलाना। आपके पास अगर बेक पार्लर का स्टफ़ घर में मौजूद है, हर चीज़ आपके पास मौजूद है, चिली सॉस, विनेगर, सोया सॉस, कलर्ड सवैयाँ, सवैयाँ, मतलब इतना प्रोडक्ट है, तो ये जब सब चीज़ें होती हैं तो ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है। और वो भी ऐसी चीज़ जो मशीन से बनी हुई है, नॉट विद योर हैंड, सो इट्स ऑल फ्रेश एंड प्योर। तो बेक पार्लर का हमको थैंक यू कहना पड़ेगा, बिकॉज इतनी आसानी जिंदगी में आ गई है। विल बी एट द लेटर स्टेज। अच्छा, ये कॉर्न फ्लोर है? कॉर्न फ्लोर। ओके, आई जस्ट 2 टेबलस्पून्स। 2 टीस्पून इन्होंने कॉर्न फ्लोर लिया है, थोड़े से स्टॉक के अंदर। एंड जस्ट मिक्स इट हियर। ये कॉर्न फ्लोर डाल दिया। Look at this, it looks beautiful. Very nice. It's an asan dish or colorful. We cook the sabzi as half cook, all right? We don't make it brown. Hum log brown karte. No, we don't. We will not eat that. It should be half cook. You can see the yes, colors. Yes, it should be crispy and the yes, color. Especially yes, especially the, what you call this? The bitter one, what you call this? Karela. Karela. We eat that green and crispy. You don't feel kadwa? Oh no, but you are adding something now. You have to add tomatoes. Okay, and you eat karelas in yes. Philippines. I cooked here. Okay. Ab iske andar ye hamari wajah se ye green chili. This is optional, all right? Optional. Agar bachchon ko aap log de rahe hain, please nahi dalein green chilies. Badon ke liye aap dal dein. Yes. And then I would chatpata. Yes. और इसको हम सर्व करेंगे नूडल्स के साथ, और मैक्रोनी को मैं अलग सर्व करूंगी। यस, के हूएवर वांट्स टू ईट। या दिस, लुक एट दिस, इट्स ऑलमोस्ट डन। आई थिंक इट्स डन, इट्स रेडी। यस, ये मैंने नूडल्स को रोल अप करके रखा हुआ है। इस पे एक फ्राइड एग रख लिया, हरी प्याज रख ली, एक इनकी ये डिश है फिलीपींस की, इसमें हमने बेक पार्लर के मैक्रोनी डाले। ये बेक पार्लर के नूडल्स हैं, आप दो तरह से इसको सर्व कर सकते हैं। ओके, Now what I'll do is, ये बहुत ही खूबसूरत, so nice. और आप देखें वेजिटेबल के कलर्स रिटेन्ड हैं। ओके, ये इनका ट्रेडिशनल, दिस इज अ ट्रेडिशनल डिश, ये फिलीपींस की ट्रेडिशनल डिश है। और ये बाकी जो है, इट्स अ ऑनर टू हैव यू विथ अस with Bake Parlor, the pasta experts. You know, the Bake Parlor, they make all the stuff, they are called the pasta experts, okay. because they have made the best pastas. Of course. So they are called the pasta experts.
change the name of this dish. Yes. Okay. And this will become baked parlor macaroni chicken afritada. Oh, that is a great name. ये आपने यहाँ पे चिकन डाल दी, ये आपकी एफ्रिटाडा विथ मैक्रोनी, बेक पार्लर मैक्रोनी एंड दिस इज बेक पार्लर स्पेगेटी। यू मेक ड्रिंक्स एट होम और ये 30 साल से पाकिस्तान में, इनके हस्बैंड इज अ पाकिस्तानी एंड यू हैव ग्रैंड चिल्ड्रेन एंड यू हैव सन्स एंड डॉटर। नो डॉटर, ओनली बहू। Only bow. She's your daughter. Yes, it's the daughter. Okay, इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, ये लिया आपने, अगर बर्फ डालनी है तो आप डाल सकते हैं, आपको हम तरीका बता रहे हैं। इसमें इन्होंने डालना है पाइनएप्पल के पीसेस, ठीक है, यस पाइनएप्पल चंक्स, ये डाल दिया। और यहाँ हम बनाएंगे रेड ड्रिंक, तो ये हमारे पास है रेड चेरीज। अगर स्ट्रॉबेरी सीजन में आप स्ट्रॉबेरीज डाल सकते हैं, ग्रेप सीजन में आप ग्रेप डाल सकते हैं, ये हम डाल रहे हैं रेड चेरीज। अब हमने क्या करना है, ये ग्रीन ड्रिंक लेना है, ये बेक पार्लर का आइसक्रीम सिरप है, दिस इज एन आइसक्रीम सिरप। अगर कभी आप गोला गंडा वगैरह खाते हैं तो आइस पे भी यू कैन पुट दिस, इट्स सो डिलिशियस। ये आपने, ये इसमें कोई चीनी नहीं है और इसको आपने अच्छी तरह से स्टर किया, इसके अंदर आप चाहें तो क्रश करके यू कैन पुट आइस इन इट। ओके, लुक एट द ब्यूटिफुल कलर। ये है बेक पार्लर का आइसक्रीम सिरप विथ फ्रूट्स, विथ पाइनएप्पल एंड चेरीज, ठीक है। एंड नाउ ये हमने बनाना है बेक पार्लर जामे मशरक। बेक पार्लर जामे मशरक, यस, ओके। ये आप इसमें रेड पहले चेरीज डाल दी इसमें आपने, और इसमें डायरेक्ट क्या, द स्मेल इज सो गुड, 3 teaspoons इनफ, नो शुगर। अब मैं इसमें डाल रही हूँ पानी, ठंडा पानी आप इसमें डालें, और ऊपर तक ग्लास नहीं भरना है आपने, मतलब ये फ्रूट के साथ यू कैन यूज इट विद ग्रेप्स, यू कैन यूज इट विद स्ट्रॉबेरीज, जो आपका फ्रूट फ्रूटी सीजन है। इसमें हमने पाइनएप्पल डाल दिया, आप इसमें यू कैन पुट कीवी आल्सो, बट आई पुट पाइनएप्पल बिकॉज ग्रीन एंड वाइट इट लुक्स नाइस। तो ये आज की हमारी डिशेस थी जो हमने सारा मसूद के साथ बनाई। इट वाज अ प्लेजर हैविंग यू हियर, बट यू विल टेस्ट इट, इट्स योर डिश, बट वी विल सिट ऑन द टेबल एंड देन वी विल टेस्ट। और आप हमारे वेबसाइट, हमारा इंस्टाग्राम और हमारा यूट्यूब चैनल ज़रूर देखिएगा, उसमें आपको सारी चीज़ें मिलेंगी और बहुत कुछ, और नई रेसिपीज़ के साथ हम फिर आपके साथ हाजिर होंगे। और अभी हम देखते हैं कि हम टेबल पे किस तरह सेटअप लगाते हैं योर फिलिपिनो स्टाइल। ओके, तो लेट्स गो टू द टेबल। ओके, अब आप हमारा टेबल सेटअप देख रहे हैं, लाइक द टेबल सेटअप, लवली। और ये सारी चीज़ें ये लेकर आई हैं, शेल्स, फिलीपींस में यू हैव अ लॉट ऑफ शेल्स, वहाँ पे शेल, यहाँ पे भी बहुत होती है, मुझे भी बहुत शौक है ये सीपियाँ जमा करने का। और अपनी टेबल को भी आप इसी तरह सेटअप करें। ये इनकी थी चिकन एफ्रिटाडो विथ बेक पार्लर्स स्पेगेटी, और वो हमने बनाया चिकन एफ्रिटाडो विथ मैक्रोनी। तो आप दोनों तरफ से सर्व कर सकते हैं, इस तरह भी सर्विंग है, ख़ास मेहमान हो तो आप इस तरह करें, फैमिली के लिए करें, और यहाँ मैक्रोनी बेक पार्लर की ये अलग सर्व कर ले, बच्चे बहुत शौक से खाते हैं, एक्स्ट्रा ऐड करना हो। और ये है बेक पार्लर का चिकन नूडल सूप, यू विल ट्राई दिस। जी, ये चीज़ें तैयार हो चुकी हैं, आपने देखा, ये फैमिली के लिए अगर आप सर्व करें, ये इनका ख़ास फिलिपींस बोल है दिस वन। और ये स्पून्स आप देखें, ज़बरदस्त स्पून्स हैं, फोक एंड स्पून, डेकोरेशन के लिए, सर्विंग के लिए, ख़ास मेहमान आए तो। और ये दिस इज़ वेरी ओल्ड। यस, ओल्ड। आई हैव दिस इन पाकिस्तान, आई ब्रॉट इट 30 years ago। एंड और ये कोकोनट से बना हुआ है, कोकोनट शेल से, और इसमें ये सुराख किए गए हैं, और ये उसमें, ये ट्रेडिशनल चीज़ें होती हैं। और इसी तरह ये सारी शेल्स हैं, सीपियाँ रखी हुई हैं, बिकॉज यू हैव अ लॉट इन फिलीपींस,
तो अपनी टेबल को डिफरेंट वेज में आप सेट कर सकते हैं, डिफरेंट छोटी छोटी चीज़ें लेके। ये तो पाकिस्तान में भरी है, पाकिस्तान यू हैव लॉट ऑफ शेल्स, यस दैट्स वेरी गुड। और दूसरी चीज़ ये भी मैं आपको साथ बता दूँ कि इसमें खाना सर्व होता है और इस पर रखा जाता है केले का पत्ता, मगर हमें केले का पत्ता नहीं मिला तो हमने क्या किया, ये जो है ख़ास इनकी डिश होती है, इसके अंदर हमने एक मनी प्लांट का पत्ता रख के एंड उस पर हमने एक प्लेट रखी, ये हमने सूप बोल रख दिया। ये अब आपके ऊपर होता है, हम इस तरह प्ले कर सकते हैं। और जब आपके पास बेक पार्लर की चीज़ें हों और इतना स्टफ़ आप बना सकें तो इससे अच्छी तो कोई चीज़ हो नहीं सकती। सो वी रियली हैड गुड टाइम विथ यू एंड वी हैव सम गिफ्ट फ्रॉम बेक पार्लर फॉर यू एंड यू विल ट्राई ऑल दी थिंग। मगर एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ इन्होंने शेयर करी है, ये एक टिप है आपके लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए। ये बीमार थी और इलाज हुआ इनका, मगर इन्होंने क्या शुरू किया, जो पिंक सॉल्ट है, ये आप सब के लिए टिप है, ये जो पिंक सॉल्ट है, रोज़ाना रात को यू टेक पिंक सॉल्ट इन अ बोल, प्लास्टिक का टब लें, 2 से 3 लीटर पानी गरम वाला, और उसके अंदर आपने 1 कप पिंक सॉल्ट डाला और उसमें आप अपने पाँव डाल के बैठें, जितनी आपके जिस्म में दर्द है, नेगेटिविटी है, इट गेट्स ओवर, इट क्योर्ड यू। मतलब शी हैज़ गॉन थ्रू अ वेरी बैड टाइम और इस डॉक्टर से तो इलाज करवाया इन्होंने, मगर ये एक टिप ऑफ द डे है हम सब के लिए, आपके लिए, कि ये ज़रूर ट्राई करिएगा। और आपके घर में बड़े हैं, पाँवों में दर्द, जिस्म में दर्द, बहुत सारी बीमारियों से पिंक सॉल्ट से आपको निजात मिलेगी। और हमारा बेक पार्लर का जो यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, वेबसाइट है, उस पर ज़रूर जाइएगा और आपको ये सब कुछ मिलेगा और बहुत कुछ। इंशाल्लाह मुलाकात होगी और नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।